एलओसी पर कंगाल पाकिस्तान फिर रच रहा साजिश। घाटी में आतंकी घुसपैठ कराने की फिराक में पाकिस्तान। घुसपैठ के लिए लॉन्चिंग पैड पर जमे आतंकी। करीब 300 आतंकियों को मिला पाक सेना का साथ। जी हां, एक बार फिर पाकिस्तान आदतन दहशतगर्दों की घुसपैठ की तैयारी कर चुका है। उसके पाले पोसे आतंकी हथियारों से लैस हो चुके हैं। उनके दिमाग में आतंकी आकाओं ने जहर भर दिया है। पाकिस्तान सेना ने भी उनके दिमाग में भारत के खिलाफ साजिश का बीज बो दिया है। सर्दी शुरू होने वाली है, उससे पहले पाकिस्तान इस फिराक में है कि किसी भी तरह से आतंकवादियों को भारतीय सीमा में घुसपैठ करा दी जाए। अपने इसी नापाक इरादे को अंजाम देने के लिए बुजदिल पाकिस्तान सेना ने BAT को कमांड दे दिया है। पाकिस्तान की बैट टीम LOC पर तैनात भारतीय जवानों पर हमला करना चाहती है। पाकिस्तान आर्मी ने तैयारी की है कि जवानों पर हमला कर आतंकवादियों को भारतीय सीमा में भेज दिया जाएगा। ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है खुफिया एजेंसियों के हवाले से। हर बार पीठ दिखाने वाली पाकिस्तानी आर्मी की बैट टीम में पाकिस्तान आर्मी की मुजाहिदीन और स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के कमांडो शामिल हैं। इन दोनों के साथ कई आतंकवादी भी हैं। वो सदाबहार दोस्त है चीन का, चीन को मदद करना चाहता है, उसके पक्ष में आना चाहता है, ताकि जो हिंदुस्तान का जो शक्ति प्रदर्शन हो रहा है लद्दाख में, उसमें गिरावट हो। तो वो अभी तक LAC बहुत हॉट था, अब LOC को भी पाकिस्तान बहुत हॉट, बहुत गर्म करने का प्रयास कर रहा है। किरण सेक्टर के दूसरी ओर पाकिस्तान की जमीन पर 80 आतंकवादी घुसपैठ के लिए बैठे हैं। तंगधार सेक्टर के दूसरी तरफ भी लॉन्च पैड पर जैश लश्कर के 10 आतंकी तैयार बैठे हैं। पुंछ के उस पार मौजूद लॉन्च पैड पर 40 आतंकी घुसपैठ की फिराक में है, तो 20 आतंकवादी कृष्णा घाटी के दूसरी ओर पाकिस्तानी जमीन पर इंतजार कर रहे हैं। 35 आतंकवादी भिम्बर गली के सामने वाले पाकिस्तानी कैंप में मौजूद हैं। राजौरी के डाकखाना इलाके के सामने उस पार भी 25 आतंकवादियों का समूह मौजूद है। वहीं नौसेरा सेक्टर के दूसरी तरफ 35 आतंकवादी घुसपैठ की फिराक में बैठे हैं। उनकी कोशिश है कि इन्फिल्ट्रेशन की जाए, ताकि जो गली के अंदर सिचुएशन जो है बहाल हो रही है, उसको कन्वर्ट किया जाए क्योंस एंड मेहम में। पाकिस्तान काफ़ी से ज़्यादा चिंतित है, परेशान है कि वैली के अंदर उसके जितने भी कमांडर्स हैं हिजबुल मुजाहिदीन के, LGC जैश मोहम्मद के, उनको सबको सफाया कर दिया गया है। 80% से ज़्यादा टेररिस्ट मार दिए गए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी पर अगर यकीन करें तो ISI और पाकिस्तान आर्मी के इस ज्वाइंट वेंचर में आतंकवादियों का इन्वेस्टमेंट भी हो चुका है। 7 लोकेशन पर दहशतगर्द जमा हुए हैं। लगता है 2019 का बालाकोट एयर स्ट्राइक और 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक भूल गया है पाकिस्तान, तभी तो घुसपैठ की साजिश उसके जहन में पलने लगी है। पाकिस्तान इन दिनों बेचैन हो उठा है। भारतीय जवानों की किलेबंदी इतनी मजबूत है कि उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा, वो लगातार कोशिशें कर रहा है। अभी 14 अक्टूबर को ही तंगधार इलाके में पाकिस्तान की बैट ने हिमाकत की थी, लेकिन मुस्तैद जवानों ने नापाक इरादा भांप लिया और आतंकवादियों की घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम कर दिया। दुनिया की आंखों में धूल झोंकने और FATF से बचने के लिए पाकिस्तान भले ही आतंकी कार्रवाई का दिखावा कर रहा हो, लेकिन हकीकत इससे उलट है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और पाक आर्मी जम्मू कश्मीर और दूसरी जगहों पर आतंकी साजिश की लगातार कोशिश में जुटे हुए हैं। इस बार साजिश रची है बैट एक्शन की, जिसको कि भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने डिकोड कर लिया है। ऐसे में ये बात पाकिस्तान को याद रखनी चाहिए कि उसकी कोई चालबाजी काम नहीं आएगी, वो हर बार मात खाएगा।